हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी वीवो फ़ोन है और उस फ़ोन में जो प्रॉब्लम आता है एनेबल टूल चार्जिंग बैटरी सेल आफ्टर, तो इस प्रकार का जो प्रॉब्लम आते हैं हमारे वीवो फ़ोन में, तो उस प्रॉब्लम को आप किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों माफ़ करना, मैंने वीडियो को स्किप कर दिया हूँ क्योंकि दोस्तों मेरा कस्टमर आ गया था मोबाइल लेने के लिए, तो मैं इसलिए दोस्तों थोड़ा वीडियो को स्किप किए हैं और मैं तब तक मैं ये लबर निकाल दिए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं दोस्तों ये बोर्ड है, ये बोर्ड को आपको निकालना है। नहीं निकालेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इसे निकाल दीजिए। निकालने के बाद इस प्रकार से दोस्तों आप इसमें जो इसमें दोस्तों देख सकते हैं मेरा पेट्रोल है, पेट्रोल को आपको करना है क्या दोस्तों, इसमें लगाना है। इसमें लगाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छी तरह से वाश कर देना है, इसमें भी वाश कर देना है, इसमें भी वाश कर देना है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी कनेक्टर है, ये वाला बैटरी कनेक्टर है, इसे भी आप पेट्रोल से वाश कर दीजिए और इसे भी वाश कर दीजिए। तो इसे अच्छी तरह से लगा दीजिए। उसके बाद दोस्तों सॉरी दोस्तों मैं इसे खोल लेता हूँ, पहले इसे साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं खोलूँगा लगाऊँगा, नहीं तो शॉर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों मैंने खोल लिया हूँ, तो इसको पेट्रोल से या कोई सा भी थिनर से आप इसे अच्छी तरह से साफ़ कर दीजिए। मैंने यहाँ पे भी साफ़ कर देता हूँ। उसके बाद इसे अच्छी तरह से लगा दीजिए, लगाने के बाद दोस्तों इसे भी लगा दीजिए। तो मैंने लगा दिए हैं, अब मैं बैटरी को डाल देता हूँ। तो बैटरी को डाल दिए हूँ, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बैटरी को यहाँ पर खोल के मैंने लगा दिया हूँ। और दोस्तों आपको करना क्या है, तो मैं ये बोर्ड को कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ आप लोग को एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ चार्ज में कनेक्ट करके। तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था, तो इसलिए मैं दोस्तों इस प्रकार का वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग देखें और समझें। तो दोस्तों बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट कर रहा था कि साफ करने के बाद भी नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप लोग ए टू जेड समझ सकें। तो दोस्तों मैंने सब कुछ को साफ कर लिया हूँ, क्लीन कर लिया हूँ, ये सारा चीज़ कनेक्टर क्लीन कर लिया हूँ। अब मैं करता हूँ क्या दोस्तों, इसे मैं चार्ज में लगाता हूँ। चलिए दोस्तों मैंने इसे चार्ज में लगा दिया हूँ, अब देखिए इसमें क्या शो करता है, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें प्रॉब्लम आखिर है क्या। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। तो सॉल्व हो चुका है दोस्तों, तो आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं इस प्रॉब्लम को इस प्रकार से आसानी से ठीक किए हैं और आप लोग भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस प्रकार से भी अगर आपका प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आपको करना क्या है, सिंपल सी दोस्तों, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ। तो जैसे ये बोर्ड देख रहे हैं दोस्तों, ये बोर्ड इसे आप निकाल के इसके अंदर में दोस्तों कागज़ का टुकड़ा डाल देना है इसके अंदर में, या तो कोई सा प्लास्टिक डाल दीजिए पतला वाला, और या तो कोई सा कागज़ डाल लीजिए। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कोई कागज़ है, इसे मैं काट लूँगा अच्छी तरह से कटिंग से, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा कनेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, स्पीकर का, माइक का, नेटवर्क का, तो ये सब कनेक्शन को आपको छोड़ देना है क्योंकि इसमें टचिंग नहीं होगा तो आपका वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे स्पीकर का भी है और लाइटिंग का भी है, जो भी है दोस्तों आपको ये सब कटिंग कर लेना है, कागज़ में छाप लगा देना है, कटिंग कर लेना है कैंची से या तो हाथ से कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर में आपको डाल देना है, इस प्रकार से डाल देना है दोस्तों कटिंग करके, और जहाँ जहाँ इसका कनेक्शन है वहाँ वहाँ आपको काट देना है ताकि अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला जो देख रहे हैं प्रिंट ये वाला। तो दोस्तों वीडियो में आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों ट्रेन आ रहा है, तो मैं आप लोग से आज्ञा लेता हूँ, तो मिलते हैं इससे भी अच्छे वीडियो के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, जय हिंद जय भारत।